एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। हमने बेबी सेट बनाए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैम बेबी सेट बनाना बताएं, तो हमने यहाँ पर देखिए कंबल बनाया है, ब्लैंकेट बनाया है, शूज़ बनाए हैं, कैप बनाई है, स्वेटर बनाया है, देखिए इस तरीके से हमने बनाया, पैंट इसकी बनाई है। तो सारी वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। देखिए बूटीज हमने बनाई हैं, छोटी छोटी कैप बनाए, ब्लैंकेट बनाई है। सारी वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से जाके देखें, इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। आज हम ये वाला स्वेटर आपको बनाना बताएंगे। तो हमने 6 मंथ तक के बेबी के बनाया है। आपको अगर इससे बड़ा साइज बनाना है तो इससे बड़ा साइज भी बना सकते हैं, देखिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। तो ये 6 मंथ तक के बेबी के आराम से आने वाला है, 6-7 महीने के बच्चे के आराम से आने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्वेटर कैसे बनाना है। और ऊन बहुत कम लगती है, टाइम बहुत कम लगता है, तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर हमने बटन्स भी लगाए हैं, आप चाहें तो इसमें चेन भी लगा सकते हैं, बट बेबी के लिए बटन ज़्यादा अच्छे रहते हैं, इसलिए हमने बटन लगाए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने 9 नंबर का क्रोशिया लिया है, 70 चेन बनाई है हमने। हमने स्टार्टिंग में 70 चेन बनाई हैं, 1-2 चेन अगर लास्ट में बचेगी तो हम खोल लेंगे यहाँ पर। अब देखिए हम 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाया, चेन को काउंट किया तो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पर देखिए 3 हो जाएंगे डबल क्रोशिया, फिर इसके पास वाले में डालेंगे 4, ठीक है, 5, देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गई, चेन को काउंट किया तो 6, ठीक है। अगर आपको 3 महीने तक के बच्चे का बनाना है तो 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ही आप जो है कॉर्नर बना ले। हमने देखिए 7 डबल क्रोशिया बना ली, इसके पास में डालेंगे 8, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 डबल क्रोशिया हमने बनाई हैं। अब देखिए हम 1 चेन लेकर वापस इसी जगह डाल के 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा कॉर्नर बन गया। अब 1 हो गई हमारे पास, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, ठीक है। जितनी हम फ्रंट में जितनी डबल क्रोशिया बनाएंगे उससे 4 डबल क्रोशिया ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। तो हमने पहले 10 बनाई थी, अब हमने 14 बना ली। फिर 1 चेन लेके वापस इसी जगह से फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया बन गई, यहाँ पर हमारा दूसरा कॉर्नर बन गया है, 2 डबल क्रोशिया, 2 हो गई 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमने 10 बनाई हैं तो अब हम बैक साइड में 20 बनाएंगे, ठीक है। 10 की दुगना करेंगे तो 20 हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने देखिए आस्तीनों में 14 बार बनाई थी, अब हमने यहाँ पर 20 बार डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब देखिए फिर से हमारा तीसरा कॉर्नर आएगा, यहाँ पर 1 चेन लेके वापस इसी जगह से फिर से स्टार्ट करेंगे और हम 14 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 हो गई हमारे पास, 2 डबल क्रोशिया हो गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 और लास्ट 14, ठीक है। 14 डबल क्रोशिया बना ली हमने यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए फिर से हमारा तीसरा, 3 कॉर्नर बन गया, हमारा चौथा कॉर्नर बनेगा। यहाँ पर हमने 14 डबल क्रोशिया बनाई है, 1 चेन लेके वापस इसी जगह डाल के
फिर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक हो गई हमारे पास, जैसे हमने स्टार्टिंग में 10 बनाई थी सेम ऐसे ही हम 10 बनाएंगे। और फिर आपको दिखाते हैं जितनी चैन बच जाएंगी हम उसको खोल देंगे। हमने एक दो चैन बच गई थी वो खोल दी है, यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया है तो ये चौकोर गला बनेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी रो स्टार्ट होगी तो 1 2 3 तीन चैन लेकर इसको घुमाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितनी भी चैन देखेंगी हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना के कॉर्नर तक लेकर आएंगे। बनाते हुए हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 डबल क्रोशिया बनाई हैं। और ये लास्ट वाली जो कॉर्नर वाला फंदा है इसी में, लास्ट वाला जो 10 डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम एक बार और बनाएंगे तो 11 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गई। अब इसके बीच में एक बार हम बनाएंगे इसमें, ठीक है तो यहाँ पर हमारे दो फंदे बढ़ गए हैं। ठीक है, और एक चेन लेके वापस इसी जगह डाल के फिर से एक बनाएंगे। अब ये लास्ट वाला जो फंदा है इसमें हम दो बार बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, देखिए यहाँ पर हम दिखा दें आपको, ये लास्ट वाले फंदे पे हमने दो डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक कॉर्नर बनाया हमने, फिर इस वाले में भी हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। ठीक है, अब जितनी भी चैन देखेंगे हर चैन में डालकर एक एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी जगह पे हमारे फंदे बढ़ेंगे। देखिए इस जगह पे हमने दो बनाया, फिर इसमें बीच में डाल के एक डबल क्रोशिया, एक चैन और एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इस वाले में भी हमने दो बनाया। ठीक है, तो 4 कॉर्नर हमने बनाया, चारों कॉर्नर पर हमारे फंदे बढ़ेंगे और बाकी जितनी भी चैन देखेंगे हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें जितनी भी चैन है हर चैन में एक एक बार बनाएंगे हम। यहाँ पर आके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ तक बना लिया, इसमें देखिए कॉर्नर आ गया, इस वाले फंदे में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 वापस इसी जगह डाल के एक बार और बनाएंगे तो 2 हो जाएंगे। देखिए हमारी यहाँ पर डालकर, ठीक है, अब बीच में इसमें डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेके वापस इसी जगह डाल के बनाएंगे। ठीक है, अब इस देखिए इस तरीके से हमने बना लिया, 2 बार यहाँ पर डालकर, देखिए 2 बार हो गया हमारा, इस तरीके से बन जाएगा। अब फिर से हम हर चैन में डालकर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे कॉर्नर पर भी सेम रिपीट। इसे वाले पर भी हम सेम रिपीट करेंगे इस जगह पर डाल के। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं, इसमें भी हम एक ही चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे, पहले 1 बस इसी जगह डाल के एक बार और बनाएंगे, 2 हो जाएंगी। इसमें देखिए बीच में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चैन लेके वापस इसी जगह डाल के एक बार और बनाएंगे। ठीक है, अब ये लास्ट वाले फंदे पर 2 बार हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से हम जितनी चैन देखेंगे हर चैन में डाल के एक एक बार बनाएंगे। तीसरे वाले कॉर्नर पर भी सेम बनाना है हमें, तो कॉर्नर पर ही हमें फंदे बढ़ाने हैं और बाकी सब में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए यहाँ तक बनाने के बाद आपको दिखाते हैं, देखिए चौकोर गला आ जाएगा तो हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। इसी तरीके से हमें हर रो में फंदा बढ़ाना है। ठीक है, इसी जगह पे बढ़ाएंगे हम और हम टोटल 4 रो और बनाएंगे तो हमारे पास 6 रो कंप्लीट हो जाएंगे। अभी देखिए 2 रो हुई हैं, 6 रो हमें बनानी है तो हम आपको थोड़ा सा और दिखा दें बना के। हमें कुछ नहीं करना है, जितनी चैन है हर चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। बट हमने जो देखिए 4 कॉर्नर बनाए ना, इस जगह हमें फंदा बढ़ाना है, इसमें 2 बार बनाएंगे, फिर बीच में डाल के
इसमें दो बार बनाए, फिर बीच में डाल के एक डबल क्रोशिया, एक चैन और एक डबल क्रोशिया, ये लास्ट वाले में भी दो बार बनाएंगे। देखिए यहाँ पर फिर सब में हम एक एक बार बनाते हुए लेकर आएंगे। बस इस जगह हमें फंदा बढ़ाना है और फिर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसमें दो बार बनाएंगे, फिर इसके अंदर हम इसके अंदर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और एक डबल क्रोशिया, इसी जगह पे हमें फंदे बढ़ाने हैं। टोटल हमें छः रो बनानी है, ठीक है। चारों कॉर्नर पर हमें फंदे बढ़ाने हैं और छः रो बनाने के बाद फिर आगे हम आपको दिखाएंगे डिज़ाइन कैसे बनानी है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा, और तो हम बनाने के बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। सिंपल है, जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी हो सकता है आपको टफ लग रहा है, ये देखिए हमने पूरे टोटल छः रो बना ली हैं। इस तरीके से चौकोर गला बन के आ जाएगा, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः, छः रो बना लिए। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले तो हम मुड्ढे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम मुड्ढे को ज्वाइन करेंगे। तो मुड्ढे कैसे ज्वाइन करने हैं, सबसे पहले देखिए एक चेन लेके इसको घुमाएंगे और यहाँ पर जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ तक लेकर आएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अब देखिए कॉर्नर आ गया हमारा, इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया पहले दोनों कॉर्नर को पकड़ेंगे। देखिए यहाँ तक हम बनाते हुए लेकर आए, दोनों कॉर्नर को पकड़ेंगे रॉन्ग साइड से और इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दोनों के बीच में। देखिए हमारे मुट्ठे ज्वाइन हो गए हैं, इस तरीके से दिखेंगे आपको, ठीक है। अब हम पीछे के जितने भी फंदे हैं हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरे कॉर्नर तक लेकर आएंगे, ठीक है। फिर इसमें भी हम मुड्ढे ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं। अब दूसरे कॉर्नर को पकड़ के इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से दूसरे भी हो गए। अब जितनी चेन है हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, आपको दिखाएंगे पूरा यहाँ तक बनाते हुए लाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली। इस तरीके से हमारे दोनों साइड के मुड्ढे ज्वाइन हो गए हैं, दोनों साइड के ज्वाइन हो गए। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग में थ्री चेन बनाएंगे। थ्री चेन बनाने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बट दो फंदे हम क्रोशिया में रहने देंगे। देखिए दो फंदे रहने दिए। अब देखिए दो बार बल लिया और यहाँ पर ये वाला फंदा है तीसरा वाला, तीसरे वाले को हम इस तरीके से डालकर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से दो बार फंदे निकाले, तीसरी बार में सारे फंदे निकाल देंगे, ठीक है। अब इसके पीछे वाले फंदे में एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए। फिर इसके पास वाले फंदे में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। टोटल हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। अब फिर से दो बार बल लेकर हम इसी वाले फंदे में डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, बट दो फंदे हम क्रोशिया में रहने देंगे। अब इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे इस तरीके से। एक बार ये डिज़ाइन बनकर आ गई, देखिए एक बार आ गई इस तरीके से डिज़ाइन बनकर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले में डालकर इसमें भी देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, दो फंदे रहने दिए। अब फिर से दो बार बल लेकर इस तीसरे वाले फंदे को इस तरीके से बनाएंगे। अब ये सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। अब इसके पीछे वाले फंदे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। टोटल हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो। तीन, ठीक है। अब फिर से दो बार बल लेकर सेम इसी वाले फंदे में
फिर से बनाएंगे हम। देखिए दो फंदे रह गए, अब इसके पास वाली चेन में डालेंगे और सारे फंदे हम एक साथ इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो दो बार हमारी डिज़ाइन बनकर आ गई है। इसी तरीके से हमें पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। इसी बार भी सेम रिपीट करेंगे, इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बनाया। बल लेके इसमें बनाएंगे हम, सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। पीछे वाले फंदे से तीन डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। देखिए एक बन गई, इसके पास वाली चेन में डालेंगे दो और फिर इसके पास वाली चेन में डाल के तीन, तीन डबल क्रोशिया बना के फिर से बल लेंगे दो बार। देखिए तीन बार हमारी डिज़ाइन, ये तीन बार डिज़ाइन बन गई है। इसी तरीके से हम रिपीट करेंगे। ठीक है, सिंपल है, जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमें बनाना है। देखिए चौथी बार भी डिज़ाइन बन गई, अब पांचवी बार में भी हम सेम रिपीट करेंगे। तो हमारे फ्रंट साइड में चार बार ये डिज़ाइन बनी है, ठीक है, बैक साइड में आठ बार बनेगी, फिर फ्रंट साइड में चार बार बनेगी। इसी तरीके से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए हमने पूरी रो यहाँ पर कंप्लीट कर ली, एक दो तीन चार आगे साइड में आए हैं हमारे, और फिर देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ बैक साइड में और चार फिर से आगे साइड में डिज़ाइन आ गई है। ठीक है, तो पहली रो हमारी डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई। सेकंड रो में देखिए हम क्या करेंगे, एक चेन लेकर घुमा के इसमें देखिए जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में डालकर पूरी रो हम सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है सिंगल क्रोशिया से, अब फिर से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर से तीन चेन बनाएंगे, दूसरी वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बट दो फंदे क्रोशिया में रहने देंगे, दो बार बल लेकर। अब देखिए जो हमने डिज़ाइन बनाई है इसके बीच वाले फंदे में डालेंगे, तरीके से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। अब इसके पीछे वाले फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके पास वाली चेन में एक बनाएंगे, दो हो गई, और इसके पास वाली चेन बनाएंगे तो तीन डबल क्रोशिया हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, और फिर से दो बार बल लेकर इसी फंदे को फिर से हम बनाएंगे। रहने दिए, इसके पास वाली चेन में डालकर इसमें डबल क्रोशिया बनाया, सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। ठीक है, अब हम एक चेन बनाएंगे। देखिए इस वाले फंदे में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया इस वाले जगह डालकर, ठीक है, फिर से दो बार बल लेकर बीच वाले फंदे में डालेंगे।
देखिए, दो बार बल लिया बीच वाले फंदे में डालकर। इस तरीके से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, सारे फंदे एक साथ निकाले। अब इसके पीछे वाले फंदे में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके पास वाली चेन में डालकर बनाएंगे और फिर इसके पास वाली में तीन बार हमें डबल क्रोशे बनाना है। फिर से दो बार बल लेंगे। तरीके से देखिए, बना ली हमने डिज़ाइन। फिर से एक चेन लेकर सेम रिपीट करनी है हमें, एक चेन छोड़ के इसमें डालकर फिर से बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। बीच वाले फंदे को फिर से हम लेकर बनाएंगे। इस तरीके से डिज़ाइन बनानी जैसे अभी हमने बनाई थी, सेम वैसे ही बनानी है इस पूरी रो में। इस तरीके से हम बनाएंगे। सिंपल है और सेम डिज़ाइन हमने कैप में भी डाली है, सेम डिज़ाइन हमने ब्लैंकेट में और इसकी पैंट में भी डाली है, ठीक है। इस तरीके से हमें बनाना है। तीन बार बनाने के बाद सेम रिपीट करेंगे, बल को दो बार लेकर इसमें डालकर दो फंदे रहने दिए, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से हमारी डिज़ाइन दो बार बन गई है। इस पूरी रो को हमें ऐसे ही बनाना है, फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए, एक बार हमें डिज़ाइन बनानी है एक रो में और एक रो में हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो अभी हमारी दूसरी रो चल रही है, ठीक है। एक रो में डिज़ाइन बनाएंगे, एक रो में हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे पूरे में। फिर हमारे हम टोटल नौ रो बनाएंगे। दूसरी रो चल रही है, टोटल नौ रो बनाएंगे इसी तरीके से। फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है, ठीक है। एक रो में सिंगल क्रोशा बनाना है, एक रो में हमें डिज़ाइन बनानी है। तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है, हमने टोटल नौ बार ये डिज़ाइन बनाई है। तो इतना छः महीने के बच्चे के लिए इतना ठीक है। अब हम आपको बाजू बनाना बताएंगे कि बाजू कैसी बनानी है। इसके लिए सबसे पहले तो हम इस जगह डालकर ऊन को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, हमने यहाँ पर ऊन को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर जितनी भी चेन दिखेंगी, हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे हम, ठीक है। एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाना है। पूरी रो को हम सिंगल क्रोशा से ही कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। जहाँ पर आपको फंदे ज़्यादा लगे, वहाँ पे आप एक एक दो फंदे एक चेन छोड़ के भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके बाजू पर फंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो आप फंदे को घटा सकते हैं, एक दो चेन छोड़ के ले। तो हम इसमें जगह जगह पर एक दो छोड़ देंगे और पूरे में बनाने के बाद आपको दिखाएँगे। इस तरीके से घटा लें, दो फंदे का एक कर लें। अगर जगह जगह पे आपको ज़्यादा लगे तो आप कर सकते हैं। पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हमने तीन चेन बनाई हैं। अब फिर से स्टार्ट करेंगे हम डिज़ाइन। सबसे पहले एक डबल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, डबल क्रोशा बनाएंगे, दो फंदे क्रोशा में रहने देंगे, दो बार बल लेकर। वाले फंदे को डबल क्रोशा बनाएंगे, सॉरी ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। इस तरीके से सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। अब इसके पीछे वाले फंदे में डालकर एक डबल क्रोशा बनाया, फिर इसके पास वाले में डालकर बनाएंगे, दो डबल क्रोशा हो गया और ये लास्ट तीन डबल क्रोशा। अब फिर से दो बार बल लेकर सेम फंदे में डालकर हम इस तरीके से फंदा बनाएंगे। दो फंदे रहने दिए हमने, इसके पास वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशा बनाएंगे। सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। अब एक चेन लेकर एक चेन को छोड़ेंगे, एक चेन छोड़ के सेकंड वाली चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए, फिर से हम बनाएंगे, एक डबल क्रोशा बनाया, दो बार बल लेकर इस वाले फंदे को बनाएंगे।
इस तरीके से तीन बार डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, दो बार बल लेकर सेम फंदे को फिर से उठाकर बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके पास वाले चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, सारे फंदे एक साथ निकाल दिए, तो दो बार हमारी डिज़ाइन बन गई है, एक और दो। ठीक है, दो बार डिज़ाइन बन गई। फिर से देखिए हम क्या करेंगे, एक चेन लेके फिर से स्टार्ट करेंगे। चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाली चेन में डाल के फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से डिज़ाइन बनाएंगे दो बार बल लेकर। इस तरीके से देखिए डिज़ाइन बनाएंगे। इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब जो हमने स्टार्टिंग में थ्री चेन बनाई थी इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए फिर से हम एक चेन लेके और जितनी भी चेन देखेंगे हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो इसमें हमें सिंपल सी डिज़ाइन है, एक रो में सिंगल क्रोशिया बनाना है और एक रो में हमें डिज़ाइन बनानी है। पूरी रो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब थ्री चेन बना के फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए इसमें डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। रहने दिए, अब ये वाले जो तीन फंदे आपको दिख रहे हैं बीच वाले फंदे में डालकर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फंदे एक साथ निकालने के बाद तीन बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है इसके पीछे। फिर से दो बार बल लेके सेम वाले इसी वाले फंदे में डालकर उठाएंगे इसको। देखिए इस तरीके से बनाए, दो फंदे रहने दिए क्रोशिया में। अब फिर इसके पास वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर डाल के सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। ठीक है, फिर से देखिए हम एक चेन लेकर और इस वाले डिज़ाइन में डालेंगे, इसमें सेम रिपीट करेंगे। सिंपल है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। और सारी वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाके देखें या फिर टाइप करें ऑल फैशन टिप्स तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी चैनल पे जाके। इस तरीके से बनाया हमने, फिर से देखिए एक चेन लेकर दूसरी वाली डिज़ाइन में डाल के बनाएंगे। इस तरीके से हम बनाएंगे, पूरी रो कंप्लीट करेंगे फिर आगे आपको दिखाएंगे। इस तरीके से बनेगी, सिंपल है। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे क्या करना है। ठीक है, देखिए पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम जितनी भी चेन दिखेंगे हर चेन में डालकर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें बाजू पर बनानी है। टोटल हम इसमें 11 रो बनाएंगे, तो अभी हमारी दो रो हो गई हैं, 9 रो और हम बनाएंगे फिर आगे आपको दिखाएंगे। दोनों बाजू हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दो रो हमने बना ली, इसके बाद हमने एक रो में सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर से हम डिज़ाइन डालेंगे। टोटल हम 11 रो बनाने के बाद दिखाते हैं। तो देखिए हमने दोनों बाजू बना लिए हैं, इस तरीके से दोनों बाजू बन गई हैं। टोटल हमने 11 बार डिज़ाइन ये बनाई है। ठीक है, इस तरीके से दोनों बाजू हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बटन पट्टी आपको बताएंगे, बटन पट्टी कैसे बनानी है, प्लस अगर आपका गला बड़ा हो गया है तो उसे छोटा कैसे करना है वो बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊन को ज्वाइन करेंगे। देखिए
ज्वाइन करने के बाद देखिए एक में हम एक बार बनाएंगे इस तरीके से स्लिप स्टिच बनानी है, और एक में हमें दो बार बनानी है। देखिए इसमें बड़े वाले फंदे में हम दो बार बनाएंगे, एक और दो, ठीक है। फिर छोटे वाले फंदे में हम एक बार बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर इसमें हम दो बार बनाएंगे, एक और दो। फिर इसमें हम एक बार बनाएंगे, तो हमें फंदे ज़्यादा टाइट नहीं लेने हैं, नॉर्मल फंदे लेने हैं, और इसको हम ऊपर तक ऐसे ही बना कर लेके जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल फंदे लेने हैं, ज़्यादा टाइट नहीं लेने हैं, ऊपर तक हम ऐसे ही लेकर जाएंगे इसको बनाते हुए। तरीके से बनाना है, एक में एक बार बनाना है, जो लंबा वाला फंदा है उसमें दो बार बनाना है। हम पूरा यहाँ तक बना कर लाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने पूरा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेकर इसको घुमाएंगे, यहाँ पर जितनी भी चेन दिखेंगी देखिए आगे वाले तार में डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए दो तार आपको दिखेंगे, और इसमें हमें आगे वाले तार में डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से फिर देखिए दो तार देखेंगे, एक तार में डालेंगे आगे वाले में, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम पूरी रो में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए नीचे तक लेकर आएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली सिंगल क्रोशिया से। अब फिर से हम देखिए एक चेन बना के इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में डालकर हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे। यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए हम यहाँ तक लेकर आ गए हैं। अब फिर से हम एक चेन बना के इसको घुमाएंगे, और यहाँ पर हम बटन के लिए होल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम दो चेन बनाएंगे, एक और दो। अगर आपकी आपके बटन छोटे हैं तो आप एक चेन बना के ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए एक चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़ के सेकेंड वाली चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं अगर बटन छोटे हैं तो। अगर बड़े हैं तो दो चेन लेकर दो चेन छोड़ के और तीसरी वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक हो गई हमारे पास, फिर इसके पास वाले में डालेंगे दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और नौ। नौ के बाद फिर से हम दो चेन लेकर एक और दो, दो चेन छोड़ेंगे और तीसरी वाली चेन में डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए दो बार हमारे बटन के लिए बन गए हैं। इसी तरीके से हम नमी नौ चेन बना के फिर दो चेन में गैप देंगे, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पर हमने चार बार बनाए हैं। देखिए एक, दो, तीन और ये लास्ट चार, ठीक है। अब हम एक चेन लेके इसको घुमाएंगे, लास्ट वाली चेन में डाला एक सिंगल क्रोशिया बनाया, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। अभी बटन के लिए होल आ गया, इसके अंदर हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो। फिर यहाँ पर जितनी चेन है हर चेन में एक एक बनाएंगे। फिर एक एक बनाते हुए जो बटन के लिए हमने होल बनाया है उसके अंदर हम दो बार बनाएंगे।
ठीक है, इसके अंदर दो बार बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे पूरा, फिर आपको दिखाएंगे आगे। तो हम देखिए यहाँ तक आ गए हैं पूरे में। अब हम गला छोटा करना आपको बताएंगे, अगर आपका गला बड़ा हो गया है तो कैसे छोटा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए एक चेन लेकर इस वाली चेन में डालकर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपका तिरछा है तो आप स्टार्टिंग वाली चेन में तीन बार भी सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ठीक है, इसलिए हम एक ही बना रहे हैं। अगर आपको तिरछा लगे तो आप स्टार्टिंग में तीन चेन बना लें, तीन सिंगल क्रोशिया बना लें, फिर आपका ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर जितनी चेन दिखेंगी हर चेन में डालकर एक एक डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर गला बड़ा है तो आप एक फंदा घटा सकते हैं, एक फंदा छोड़कर और फिर भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम दो रो सिंगल क्रोशिया की दूसरी साइड भी बना लेंगे, तो हमें बटन पट्टी के बाद ये आराम से आ जाएगा। यहाँ पर डालकर देखिए पहले तो हम इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बनाया, वापस इसी जगह डाल के एक और बनाया और एक और बनाया, तीन सिंगल क्रोशिया स्टार्टिंग बना लिए। छोटे वाले में एक बार बनाएंगे, फिर ये बड़े वाला फंदा है इसमें हम दो बार बनाएंगे, एक और दो, ठीक है। फिर एक में एक बार बनाएंगे हम, फिर एक में दो बार बनाएंगे, ठीक है। एक में हमें एक बार बनाना है, एक में दो बार बनाना है। देखिए ये बड़ा वाला फंदा है इसमें हम दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक वापस इसी जगह डाल के दो, छोटे वाले फंदे में एक बार बनाएंगे। इस पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, नीचे तक ऐसे ही लेकर आएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। इसको पूरा बनाते हुए हम नीचे तक लेकर आएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए पूरी रो हमने बना ली है, अब एक रो हमें और सिंगल क्रोशिया की बनानी है। तो सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, और देखिए यहाँ पर जितनी भी चेन है हर चेन में डालकर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऊपर तक लेकर जाएंगे ऐसे ही। ऐसे ही ऊपर तक लेकर जाएंगे और फिर हम ऊन को कट करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर पूरा बना लिया है, बटन भी लगा दिए, इस तरीके से स्वेटर बन गया है। तो पूरा सेट देखने के लिए आपको टाइप करना होगा ऑल फैशन टिप्स, और इस पर जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा सेट बनाया है, आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको एंजॉय करें, बाय।